Hi guys, वेलकम बैक टू my चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर सरोजनी नगर वीडियो एंड भाई साहब आप लोगों के बहुत कमेंट्स आते हैं कि दी प्लीज़ सरोजनी नगर की कलेक्शन लेके आओ जल्दी तो मैंने सोचा कि आज एक डेडिकेटेड वीडियो बना लेती हैं इसमें मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूंगी सारी की सारी लेटेस्ट विंटर एंड समर कलेक्शन क्योंकि अब मिड का टाइम आ गया जिसमें गर्मियों की सर्दियों के सारे के सारे, सारे कपड़े चलने वाले हैं तो मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूंगी और भी क्या क्या सरोजी नगर में ट्रेंडिंग आइटम्स आई वो सब शयर होगा सो इफ ऑल दिस एक्साइट्स यू देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी वेरी एंड सो विद एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्ट I सरोजनी नगर पहुंचने के दो तरीके या तो आप मेट्रो से चले जाओ या तो आप ऑटो से चले जाओ तो मैम मेरी फ्रेंड तो मेट्रो से ही गए थे और ये आपको उतरना है मेट्रो स्टेशन के सरोजनी नगर वाले पॉइंट पे और ये आएगा आपका पिंक लाइन में और आप गेट वन गेट टू किसी से भी एग्जिट कर सकते हो जब तक आपको कोई बोर्ड ना दिख जाए बस उसके बाद जैसे ही आप मेट्रो गेट से एग्जिट करोगे तो आप देखोगे की इतने प्यारे प्यारे ईयर रिंग्स की कलेक्शन है जो कि लिटरली ट्वेंटी और थर्टी रुपीज़ से शुरू हो रही थी और ये जो बैंगल्स की कलेक्शन है ये एक्चुअली ये एक पूरा सेट दे रहे थे फिफ्टी रुपीज़ का तो मैं तो यार एकदम लग गई मैंने सोचा कि यार चलो मेरी शॉपिंग तो शुरू हो गई क्योंकि इतनी एंटी को इतनी प्यारे इंग की कलेक्शन थी फिर उसके बाद जैसे हम आगे बढ़ रहे तो थे ये स्वेटर्स की कलेक्शन एंड ट्रस्ट में इसकी क्वालिटी इतनी ज्यादा अमेजिंग थी एंड लिटरली ये आपको दे रहे थे हर स्वेटर सिर्फ और सिर्फ हंड्रेड रुपीज में इतना ज्यादा सस्ता था और आप कलेक्शन तो देख ही सकते हो कितने ज्यादा प्यारी है बस इन सब चीज़ों का ये होता है कि अगर आप कोई भी कपड़ा सूर्य नगर से, से परचेज करो तो मेक श्योर कि आप उसको ना एक बार ड्राई क्लीन कर लो या अगर आप समर का कपड़ा ले रहे हो तो घर पर ही वॉश कर लो और फिर पहनो बट यार लेजर्ड स्वेटर्स की कलेक्शन तो बहुत ज्यादा बढ़िया थी फिर हम आ जाते हैं इस पर्सेज के कलेक्शन पे एंड ये आपको सिर्फ हंड्रेड रुपीज में दे रहे थे एक पर्स और आप क्वालिटी दिख सकते हो और इसकी वरायटी एंड कलर भी दिख सकते हो बहुत ही अमेजिंग पर्सेज थे मुझे एक्चुअली काफी ज्यादा पसंद भी आ रहे थे तो मैंने सोचा कि यार एक दो या नहीं तो वो आपको मेरे हॉल में पता चलेगा देन उसके बाद मैंने बैंगल वाला सेट ये पूरा का पूरा लिया क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था एंड ये आपको लिटरली फिफ्टी रुपीज में मिल रहा था फिर उसके बाद बस आपको सरोजनी मार्केट में एंटर करना है एंड मेक श्योर कि आप ना थोड़ा कैश uh, अपने साथ लेके चलना और मास्क भी लेके चलना क्योंकि थोड़ी धूल मिट्टी होती है बस फिर जैसे आप एंटर करोगे आपको इधर राइट साइड मूव करना है वहां से पूरी की पूरी एकदम बढ़िया मार्केट शुरू हो जाती है देन उसके बाद ये एक्चुअली नेकलेस मिल रहे थे हंड्रेड के सिक्स मिल रहे थे येस यू हर्ड इट राइट और इसमें एक्चुअली कलेक्शन भी बहुत ज्यादा प्यारी तो मुझे बहुत अच्छा लगा बस फिर उसके बाद डिफरेंट थड़ियाँ शुरू हो गई थी और यहाँ पे कुर्ता सेट मिल रहे थे पूरा का पूरा कुर्ता सेट देख सकते हो ये पूरा थ्री हंड्रेड रुपीज़ का था अब इसमें से कुछ भी परचेज कर सकते हो और मेरे को उसकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि अब सिंथ समर आने वाले हैं तो अगर आप भी यू नो ऑफिस जाते हो तो आप भी ये वाले सारे कुर्ता सेट ही पहनोगे तो मुझे इनके कलेक्शन बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी बस फिर सबसे पहले तो हमने ये कुर्ता सेट वाली कलेक्शन देखी फिर उसके बाद थे डिफरेंट ट्राउजर्स एंड जीन्स के कलेक्शन जो लिटरली आपको टू हंड्रेड रुपीज़ में मिल रहे थे ये सारे मिड वाले यू नो ट्राउजर्स हैं जो इतने मोटे भी नहीं होते और इतने पतले भी नहीं होते तो आप इनको आराम से पहन सकते हो टू हंड्रेड रुपीज़ में थे और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट वैराइटी थी आजकल तो ये वाले ट्राउजर्स भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं तो मुझे बहुत पसंद है देन उसके बाद ये ड्रेस मिल रही थी लिटरली एटी रुपीज़ की इतनी सस्ती तो मैंने कभी नहीं सुनी थी देन उसके बाद ये डिफेंट कार्टिगन्स थे स्वेटर्स की कलेक्शन थी जो कि हंड्रेड रुपीज़ से शुरू हो रही थी ये भी डिफरेंट ऑफिस वेयर ट्राउजर्स थे जो कि टू हंड्रेड रुपीज़ के मिल रहे थे एंड मुझे ब्लैक वाला काफ़ी ज़्यादा पसंद आया क्योंकि मुझे जनरली ब्लैक ट्राउजर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं फिर उसके बाद थे ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर की कलेक्शन और जो कि सेल पे थे आप हंड्रेड रुपीज़ का कोई भी ले सकते हो मुझे एक्चुअली हार्ट वाला बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो इसमें से बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स की कलेक्शन थी जो कि सिर्फ हंड्रेड रुपीज़ में थी तो मेरे को बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगे देन उसके बाद ये तो थे टॉप्स की कलेक्शन एंड लिटरली आजकल तो वाइट टॉप्स बहुत ज़्यादा चल रहे और इनके पास कलेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी डिफरेंट डिफरेंट ट्रेंडी कलेक्शन थी और डिफरेंट पेयर भी था तो आप इसको यू नो आराम से ब्लू जीन के साथ पेयर अप कर सकते हो या फिर अगर आप ऑफिस जाते हो तो आप एक वाइट शर्ट ले सकते हो तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग कलेक्शन थी फिर उसके बाद थे इनके पास ये शॉर्ट कुर्ती जो कि वन फिफ्टी टू फिफ्टी रुपीज से शुरू हो रही थी मुझे काफी ज्यादा पसंद आई देन उसके बाद मेरे को एक्चुअली ये टॉप दिखा था पिंक कलर का जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद आया बट मैं एक्चुअली कंफ्यूज थी इस ब्लू वाले टॉप के साथ तो आप मुझे बताना कॉमेंट्स में कि मैंने इन दोनों में से कौन सा परचेज किया होगा क्योंकि लिटरली मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे थे ये टॉप्स क्योंकि समर आ गया तो समर में यू नो ऐसे कॉटन वाले टॉप बहुत ज्यादा अच्छे लगते तो मुझे काफी ज्यादा पसंद आए देन उसके बाद ये डिफरेंट स्कर्ट्स और प्लाजो की कलेक्शन जो कि लिटरली वन फिफ्टी रुपीज से शुरू हो रहा था टू हंड्रेड रुपीज में भी थे टू हंड्रेड वाले की क्वालिटी लाई थी थोड़ी ज्यादा अच्छी थी क्योंकि वो थोड़ा मोटा कपड़ा यूज करते हैं बट ऑल टुगेदर आपको इतनी ज्यादा वेराइटी मिल जाएगी ना डिफरेंट प्लाजो सेट में आप कोई भी यू नो टॉप अपने मन में इमेजिन कर सकते हो जो कि आपके पास है आपके कबन में एंड देन यू कैन पेयर अप देन उसके बाद ये डिफरेंट पेयरअप्रेट की कलेक्शन थी अगर आपको यू you नो know, अपना मेकअप या कुछ एक्सेसरीज रखनी तो आप वो ले सकते हो देन उसके बाद लड़कों के लिए भी काफी अच्छे अच्छे कलेक्शन थी चाहे वो शर्ट हो चाहे वो स्वेटर्स हो जो कि लिटरली टू हंड्रेड रुपीज से शुरू हो रहे थे फिर उसके बाद ये टॉप्स की कलेक्शन एकदम स्टार्ट हो गई एकदम राइट साइड पॉइंट करके आप जब मार्केट में अंदर जाओगे तो आपको दिखेगा एटी रुपीज में समर और विंटर के कपड़े मिल रहे थे टॉप्स मिल रहे थे और इसकी कलेक्शन इतनी ज्यादा प्यारी थी मतलब ये ऐसे टॉप कि कोई देख के बता ही नहीं सकते कि ये एटी रुपीज में थे क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत टॉप नॉच थी और बहुत ट्रेंडी टॉप्स थे ये व्हाइट कलर का टॉप मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा इसको आप ब्लैक जिन के साथ पेयर अप कर सकते हो देन इसके बाद एक क्रोशर टॉप था जो मुझे बहुत ज्यादा अमेजिंग लगा एंड ये सब मिल रहे थे सिर्फ और सिर्फ एटी रुपीज़ में सरोजिन आने का यही फायदा है आपको कुछ भी कितने भी प्राइस में मिल सकता है बस ये है कि आप कोचे से ढूंढना आना चाहिए देन उसके बाद जिम वेयर के भी काफी ज्यादा अच्छे कपड़े थे जो कि आप देख ही सकते हो स्क्रीन पे तो ऑल ओवर मुझे एटी रुपीज वाली कलेक्शन तो काफी ज्यादा अच्छी लगी सरोजनी में फिर उसके बाद थी स्कास के कलेक्शन जो कि हंड्रेड रुपीज के भी थे और टू हंड्रेड रुपीज के भी थे टू हंड्रेड रुपीज वाले में ये था कि उसका फर थोड़ा ज्यादा मोटा था और वो ज्यादा बल्क में हैवी था हंड्रेड रुपीज वाला थोड़ा सा कम था बट ऑल ओवर स्कास की कलेक्शन बहुत अच्छी थी देन उसके बाद आ जाते हम इन ईयर रिंग्स पे सरोजनी पे आके अगर तुमने ईर रिंग्स ले थे तुमने कुछ नहीं लिया क्योंकि सुरज में बहुत ज्यादा वास्ट वेरायटी है इयर की

हमने हल्दीराम से डोसा खाया जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था बस फिर उसके बाद हम फिर चले गए शॉपिंग करने तो मैं देख रही थी ये डिफरेंट छोटे छोटे से पॉट्स के कलेक्शन एंड जनरली ये वो दे रहे थे हंड्रेड के पाँच दे रहे थे तो आप इसमें से यू नो अगर आपको पसंद आ रहे तो अपने रूम डेकोर के लिए खरीद सकते हो और मुझे एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा यू नो रीज़नेबल एंड अच्छे लगे एंड जब भी आप सूर्य मार्केट में आओगे ना मेक श्योर sure कि आप अप्रॉक्सीमेटली दस ग्यारह बजे तक आ जाओ क्योंकि तब ना थोड़ी भीड़ कम होती है तो वो आपको कम प्राइजेज में भी बहुत अच्छी चीज़ें दे देते हैं फिर उसके बाद ये हैंड हैं हैं बैग उसमें बैग्स की कलेक्शन थी जो कि लिटरली ज़्यादा से कम्पीट कर दी क्योंकि वैराइटी वैसी ही थी शेप सब कुछ वैसे था तो बहुत ज़्यादा रीजनेबल था और भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट आपके रूम डेकोर की आइटम्स थे जूट बैग था जो कि लिटरली हंड्रेड रुपीज़ का मिल रहा था ये बैंगल्स की कलेक्शन थी और ये डिफरेंट लॉकेट्स एंड एयर की कलेक्शन थी आप चाहो तो अपनी मदर या अपने सिस्टर के लिए लेके जा सकते हो देन उसके बाद था ये बैग मुझे लिटरली बैग बहुत ज़्यादा पसंद है वो मुझे लिटरली थ्री का बोल रहे थे बट मैंने उनको बोला कि भैया मैं तो सौ रुपये से ऊपर नहीं दूंगी तो फाइनली आई गॉट इट तो बार्गेनिंग करना काफ़ी ज़्यादा आसान है सोरोजी में बस आपको करनी आनी चाहिए देन उसके बाद धीरे धीरे जैसा टाइम हो रहा था तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी और मैंने आपको जैसे पहले बोला मास्क पहन के चलना क्योंकि वहाँ पर यू ना बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह होती है बस फिर उसके बाद और भी डिफरेंट क्रॉकरी आइटम्स थी सजावट के आइटम्स थे जो कि आप आराम से यू नो परचेज कर सकते हो इफ़ यू नीड आप कुछ भी बोलो तो और बहुत सारे रोजी में आपको मिल जाएगा दें उसके बाद ये स्कर्ट्स की कलेक्शन थी जो कि 80 और 100 रुपीज से शुरू हो रही थी इफ़ यू आर समन हुए स्कर्ट्स और शॉर्ट्स देन इट इज़ परफेक्ट फॉर यू आप यहाँ पे आके जरूर इनकी वैरायटी देखना देन उसके बाद डिफरेंट ओवर साइज कोट और ब्लेजर्स की भी कलेक्शन थी जो कि टू और थ्री हंड्रेड से शुरू हो रहे थे बट मेक श्योर कि आप इनको पहनने से पहले ना एक बार ड्राई क्लीन जरूर करना देन उसके बाद सिंस समर आ रही है तो ये कॉर्ट सेट बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे एंड मैं लिटरली ना इस येलो वाले कोर्ट सेट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थी कि यार मैं लूँ या नालू क्योंकि मैं श्योर नहीं थी इसके साइज के बारे में तो आप कॉमेंट में बताना है कि मैंने परचेस किया होगा नहीं ये टू हंड्रेड और थ्री हंड्रेड रुपीज से यू you नो know, शुरू हो रहे थे देन उसके बाद ये लड़कों की भी कलेक्शन थी और इतने सारे बीची शोर थी तो मुझे तो लड़कों की कलेक्शन भी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी देन उसके बाद स्टार्टिंग होती है इन सारे यू uh, नो you know, स्वेटर्स की और गर्ल स्वेटर्स की आजकल ये वाले भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं पूरे विंटर्स में तो ये वाले सेट के जो टॉप्स है वो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और बहुत ही बच्चों के भी कपड़े थे और बड़े के भी कपड़े थे तो सरोजी नगर में आपको सब कुछ मिल जाएगी और अगर आपको यू नो ईयर कवर करने के लिए वो चाहिए तो वो भी आपको प्रॉपर अच्छे से मिल जाता है टोपियों की कलेक्शन थी एंड ऑल ओवर बहुत ज़्यादा मज़ा आया सरोजी में और भीड़ भी इतनी ज़्यादा होगी वो आप देख ही सकते हो गाइज दैट सेट फॉर टूडे एंड मैंने तो बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर लिया सरोजनगर से जिसका हॉल मेरे चैनल पर जल्द आएगा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और इतना ज्यादा शूट कर लिया था ना कि फोन की बैटरी एकदम डेड गई थी लेकिन था और मैंने सब कुछ कवर कर लिया बट या कोई बात नहीं आप लोग कॉमेंट्स में मेरे को खूब सारा प्यार दे देना है एंड मैंने पूरी कोशिश करी है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे एंड यार दैट सेट सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन यू नो यू हैव टू हिथ द लाइक बटन शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल अन्यू नेक्स्ट टाइम चल दिन बाय टेक केयर